आजकल बहुत से लोगों की, खासकर उद्योगपतियों की, या तो नींद टूट रही है या वो यू टर्न ले रहे हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज, इन दोनों ने मोदी सरकार की आलोचना की है, जिसकी वजह है ऑटो सेक्टर में चल रहा मंदी का दौर। राहुल बजाज ने अपनी कंपनी की एनुअल मीटिंग के दौरान कहा कि ना तो कोई डिमांड है और ना ही कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आखिर ग्रोथ कहां से होगी? ये स्वर्ग से तो नहीं आएगी ग्रोथ। आगे उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। राहुल बजाज ने यह भी कहा कि सरकार ये बात माने या ना माने, लेकिन बीते 3-4 सालों में ग्रोथ रेट लगातार गिरी है। तो साहब, आप पिछले 3-4 साल चुप क्यों रहे, तब क्यों नहीं बोले? वर्ल्ड बैंक और IMF भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। किसी भी सरकार की तरह वो अच्छी तस्वीर ही दिखाना चाहेंगे, लेकिन सच तो सच है। ये राहुल बजाज का कहना है। राहुल बजाज के बेटे और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा कि वो खुद को सरकारी योजनाओं की वजह से परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत उनके लिए इकलौता मार्केट नहीं है, कम से कम 90 देशों में उनकी मार्केट है। अगर वो मुख्तलिफ सरकारों की बदलती पॉलिसीज में फंसे रहेंगे तो काम पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने भी हाल ही में कहा था कि जाति धर्म के नाम पर हिंसा, बढ़ती असहिष्णुता इंटॉलरेंस, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म, मॉरल पुलिसिंग नहीं रुकी तो इससे देश के विकास पर असर पड़ेगा। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा था कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में जो हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि क्या ये वही देश है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ये सवाल आज नौजवानों को पूछना चाहिए। अभी 61 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी असहिष्णुता गैंग के खिलाफ। इन दोनों के नाम उनमें नहीं थे, ना आदि गोदरेज का नाम था ना ही नारायण मूर्ति का। शायद ये बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके, इसलिए। बहरहाल, मेरे साथ हैं, मेरा पहला सवाल है जयंत राय चौधरी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि पिछले 5 साल से ये लोग जिनका मैंने जिक्र किया, राहुल बजाज हों या राजीव बजाज हों, आदि गोदरेज हों या नारायण मूर्ति हों, पिछले 5 साल से ये लोग खामोश रहे। ऐसे ही लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा भी दिया। अब मंदी की आंच इनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। क्या ये वजह है इनके बोलने की या कोई और वजह है? खास वजह तो यही है कि मंदी की आंच अब इनके दरवाजे वाकई में पहुंच गया है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी थे उन पे ज्यादा असर पड़ा था, इन पे उतना नहीं। GST भी इन्होंने वेलकम किया था क्योंकि इनके लिए अच्छी बात थी। बड़े व्यापारियों का अकाउंट बुक्स बड़ा साफ है और उनके लिए बड़ा आसान होता है GST का ड्रॉबैक्स लेना वगैरह वगैरह। छोटे व्यापारियों के लिए दिक्कत थी। अब जब मंदी की आलम और बढ़ गई है और बाजार में आप देख ही पा रहे हैं किस तरह से खरीदारी घट गई है, खास तौर से अगर आप देखें 3 सेक्टर्स बहुत ज़्यादा असर पड़े हैं। एक हाउसिंग रियल एस्टेट, दूसरी गाड़ी और वाहनों की बिक्री, और तीसरी FMCG जिसे हम कहते हैं, उसकी उन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा असर पड़ा है कंज्यूमर गुड्स की सेक्टर में। इसी वजह से आप देखेंगे गोदरेज साहब कंज्यूमर गुड्स में हैं, राहुल बजाज खुद साहब व्हीकल्स बनाते हैं, स्कूटर बनाते हैं, मशहूर हैं स्कूटर बनाने के लिए, और तीसरा इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस का सिर्फ अब सॉफ्टवेयर ही बिजनेस नहीं है जो कि जिसपे भी काफ़ी मंदी की आलम छाई हुई है, साथ ही साथ में वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बहुतों में पैसे लगाते हैं, तो हर जगह दिख रहा है कि सुविधा उतनी नहीं है, उतनी नहीं है। इधर अभी एक और भी केस सामने आया है, ये जो कैफे कॉफी डे का, ये जो क्या ये भी कारण हो सकता है? ये बिल्कुल कारण है क्योंकि आपका यहाँ पे शैडो बैंकिंग की क्राइसिस हुई है, क्योंकि आपके जो कंपनियां हैं वो अपने ऋण वापस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे बैंकों की हालत, माली हालत खराब है। साथ ही साथ में जो शैडो बैंक जिसे हम कहते हैं NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन्होंने अपना पैर बहुत ज्यादा पसारा था और उनकी भी लोन वापस नहीं आ रहे। सबसे बड़ा दिक्कत तो IL&FS है। IL&FS में खैर घोटाला का भी एक केस है जी। IL&FS में इन साहबजादे ने पैसे काफी लगा रखे थे और वो पैसे उनको मिल नहीं रहे, उनके ड्यूज उनको वापस नहीं मिले, जिसके कारण से बाकी जो उनके क्रेडिटर्स थे, कैश फ्लो जो उनकी थी वो रुक गई, बाकी क्रेडिटर्स को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। आखिर में उनके प्रेशर में आज ये हालत हुई है कि उनको एक चिट्ठी लिखने पड़ा है अपना बोर्ड को,
और उसके बाद उनको मिल नहीं रहा है। जी, बात अगर हम ऑटो सेक्टर की करें तो देश की बड़ी कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी के शेयर्स में इस साल बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जून में खत्म हुई तिमाही में मारुति की डोमेस्टिक व्हीकल सेल में 19% की कमी आई है। 19% बहुत ज्यादा होता है। हालत यह हो गई है कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बीते 10 महीने से मंदी के हालात हैं और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं नजर आ रही। उधर ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कल पुर्जे बनाते हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि ऑटो सेक्टर में चल रही मंदी की वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले करीब 10 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों के दौरान पैसेंजर गाड़ियों, टू व्हीलर्स और ट्रक्स के करीब 300 डीलर आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। डीलर आउटलेट्स माने बिजनेस ठप हो गए हैं ये। जैसे तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी जिक्र किया, मैं भी जिक्र कर रहा हूं इस बात का कि अर्थव्यवस्था की सेहत का जायजा लेने के लिए ऑटो सेक्टर के साथ साथ स्टील, सीमेंट, रियल एस्टेट और भी इंडिकेटर होते हैं। इस साल जो लाल बही खाते में बजट लाया गया था, जिसको बड़ा ऐतिहासिक बजट बताया गया था, प्रधानमंत्री ने 86 बार मेज थपथपाई थी, क्या वो बजट इस लायक है? देखिए, इस बजट में सबसे बड़ी परेशानी जो इस सरकार को होगी वो ये है कि जितना पैसे वो कह रहे हैं उठा पाएंगे वो शायद उठा ना पाए। बाकी आप छोड़ दीजिए, उठा पाएंगे इससे मतलब आपका रेज कर पाएंगे, रेज कर फंड्स, रेज कर फंड्स जो रेज कर रहा था, बाकी आप छोड़ दीजिए स्कीम्स क्या है नहीं है, कितने अच्छे हैं या नहीं है, उनको बाद में आप विश्लेषण कर सकते हैं। परंतु एक छोटी सी भूल, या कहें कि बड़ी सी भूल, ये थी कि आपने इंटरिम बजट के जो फिगर्स थे आपके टैक्स कलेक्शन के, उसी फिगर्स को लेके आपने बजट बनाई, जबकि आपके पास नए आंकड़े आ गए थे कि आपके टैक्स उतने उठे नहीं है। आपने 1,67,000 करोड़ आप कम उठाए हैं बाजार से, आपकी जीएसटी उतनी अच्छी नहीं रही वगैरह वगैरह। इसको इग्नोर करते हुए आपने टैक्स के आंकड़े बनाए और आपने कहा कि अब 11% ज्यादा मेरे टैक्स के लोग जो हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, उठा लेंगे, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह वगैरह। पर सच्चाई ये है कि क्योंकि आपने इन्फ्लेटेड फिगर्स के ऊपर बेसिस में आपने किया है, असलियत में आप कह रहे हैं अपने टैक्समैन को कि 25% ज्यादा टैक्स उठाइए, ये संभव नहीं है। खास तौर से जब अर्थनैतिक व्यवस्था स्लो डाउन मोड में है, जब आपके पैसे नहीं उठ रहे हैं, कंपनी के तिमाही जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि सारे के सारे या तो प्रॉफिट घटे हैं या लॉस में गए हैं। इन हालातों में आपकी टैक्स रेजिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रिक्टली सिवियरली आपकी कमी हुई है। जी, यानी जो 86 दफे मेज थपथपाई गई, ये बजट उस लायक नहीं है, और जो पिछली फिगर्स थी उन पर बेस किया गया है, नई फिगर्स आई उन पर बेस नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में GDP, ये शब्द सिर्फ काले सूट और गुलाबी अखबार वालों के बोलचाल में नहीं रहा, बल्कि अब आम नागरिक तक पहुंच गया है GDP। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल के लिए GDP की दर 7.2 से घटाकर 7% कर दी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने भी 2019-2020 के लिए भारत की GDP का अनुमान घटा दिया है। हम आपको बता दें कि 2018-2019 में GDP ग्रोथ रेट 5 साल के सबसे निचले स्तर पर रही थी। ये बात और है कि मोदी सरकार अगले 5 साल में भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा कर चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 50 दिनों में ही, ये दूसरा कार्यकाल अभी शुरू हुआ, जो शुरुआती 50 दिनों में ही शेयर बाजार की हालत बहुत बुरी रही है। सरकार बनने के बाद शेयर बाजार ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। उधर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखाकार, उसने हाल ही में कहा कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा, हिंदी में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट जिसे बोलते हैं, यानी आमदनी कम खर्चा ज्यादा, बजट में बताई गई संख्या से ज्यादा हो सकता है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रतिन रॉय ने कहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी साइलेंट फिस्कल क्राइसिस से जूझ रही है, यानी एक ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रही है जो कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, बहुत मुख्तसर जवाब चाहूंगा, वक्त की कमी है। मौजूदा अर्थव्यवस्था की हालत के लिए आप डिमोनेटाइजेशन को आपने बताया काफी हद तक जिम्मेदार माना है, लेकिन मेरा सवाल यह कि जिस तरह से एक एक करके नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार उनको छोड़कर जा चुके हैं,
बची खुची टीम जो है मौजूदा टीम, उस पर आपको कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें बजट बनाते हुए इतनी बड़ी गलती अगर आप करें, फिर आप और भी सारे बहुत सारे स्कीम बनाए हैं जो कि शायद ना हो पाए। आपने कहे कि सोवरेन बॉन्ड्स लाएंगे, ये भी देखते हुए कि आपकी रुपया जो है 2013 के से 2019 तक 28% का गिरावट हुआ है रुपए की वैल्यू में। उसके बाद आप सोवरेन बॉन्ड्स की सोच रहे हैं, 20 साल बाद उसे आप पे करेंगे, तब तक पता नहीं रुपया की हालत क्या होगी और आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे उन डॉलरों के लिए, ये आपको पता नहीं है। जी, अंग्रेजी का एक शब्द है द फॉल गाय, जिसे हिंदी में बलि का बकरा बोलते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, उनको जिम्मेदार बताया गया है, चाहे वो सोवरेन बॉन्ड्स की बात हो, चाहे वो 1,70,000 करोड़ की भी फिगर है उसकी जो कमी बीच में आई है, वो सेबी से चाहते थे कि वो अपने रिजर्व फंड दे, ये भी उनका आइडिया बताया गया है। तो बहरहाल उनको फॉल गाय बनाए जाने की बात भी हो रही है कि बलि का बकरा सुभाष चंद्र गर्ग को बनाया गया है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है।